प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये है मोहब्बतें में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। जहां इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी जेल से फरार है, तो वहीं रमन भल्ला करने जा रहे हैं तीसरी शादी। जी हां, पहले शगुन, फिर इशिता और अब रमन की लाइफ में आई है एडवोकेट निधि यानी पवित्रा पुनिया। एडवोकेट निधि वही है जो इशिता भल्ला का केस लड़ रही थी और इशिता को जेल से निकालने की जी तोड़ मेहनत कर रही थी। लेकिन इशिता का केस छोड़कर अब निधि करने जा रही है रमन भल्ला से शादी। इस ट्विस्ट की कहानी तो आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निधि की रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से जुड़ी है। इन दिनों निधि यानी पवित्रा बहुत नाराज है और उनकी नाराजगी का कारण बने हैं टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें के फैंस। जी हाँ, जब से सीरियल में एडवोकेट निधि के वैम्प रोल की शुरुआत हुई है तब से फैंस हैं जो निधि को थ्रेड मैसेजेस मेल कर रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद निधि ने एक वेबसाइट इंटरव्यू के दौरान बताई। निधि ने कहा, यस आई एम गेटिंग अ थ्रेटनिंग मैसेजेस फ्रॉम फैंस। आई एम लविंग द फैक्ट दैट ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग माय रोल सो वेल, बट व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज हाउ कैन वन नॉट गेट दैट इट्स ऑल ऑन स्क्रीन। इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, नॉट रियल। आई वांट टू टेल माय फैंस टू लव माय कैरेक्टर, बट थ्रेटनिंग मैसेजेस गेट स्केरी समटाइम्स। वेल, निधि की बात सुनकर तो लगता है कि फैंस उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फैंस से यही कहेंगे कि ये सिर्फ रियल लाइफ है ना कि रियल लाइफ। फिलहाल ये शो 8 साल आगे जाने वाला है यानी 8 ईयरली, जिसमें इशिता भल्ला का दिखेगा एक नया अवतार।